तो सबसे पहले तो आप सभी को दिल से नमन प्रणाम। जय श्री राम। और अभी हम बैठे हैं, इन महान आत्माओं से हम बात कर रहे हैं पर्यावरण के बारे में। तो ये पंडित जी महाराज हमारे बैठे हैं। तो पंडित जी महाराज, इस पर्यावरण में जैसे गवर्नमेंट, ये संत इतना ध्यान दे रहे हैं, ये बच्चे भी उत्साहित हैं, तो आपके जो विचार हैं थोड़ा सा आप भी इसमें बोल लें, क्योंकि ब्राह्मण देव हैं आप, ब्रह्म को जानते हैं, थोड़ा सा निकालने की, खुल के आने की बात कोशिश करें। देखिए विजय जी, आपकी एक बहुत बड़ी पहल है। आज भगवान की कृपा से इस श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण तिथि पे अपनी ये सबकी बात हो रही है, ये ग्रुप में आज पुत्रदा एकादशी है, जय भगवान की कृपा से। और जैसा कि इस यहाँ इस राजस्थान के इस नीमराणा क्षेत्र के ईश्वर सिंहपुरा इस काली घाटी में हम सब बैठकर इन संतों के तपस्तरी भूमि पर हम सब ये बात कर रहे हैं, जो आपने प्रश्न किया है कि पर्यावरण, तो पर्यावरण तो वैसे स्वतः ही संरक्षित है, प्रकृति अपने आप को श्रम बैलेंस करेगी। ये जो हम इसको ध्वस्त करने के जो लग रहे हैं, तो भगवान की कृपा से प्रकृति जिस दिन अपने आप को बैलेंस करेगी, जैसा हम इसका हानिकारक प्रभाव देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बरसात नहीं होना सबसे बड़ा, इतना ज़्यादा प्रदूषण कि सब साधन रोक दिए जाते हैं, सारा सब कुछ कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी प्रदूषण नहीं रुक रहा हमसे। तो ये सब प्रकृति को अवडभ करने का जो एक कार्यक्रम चल रहा है कि हम इस अरावली पर्वतमाला का खंडन कर रहे हैं, हम वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपन देखें, हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, एक पेड़ के नीचे अगर 5 किलो अनाज हो रहा है, तो 5 किलो अनाज के लोभ के लिए हम उस पेड़ की कटाई कर देते हैं, जो जिसकी कीमत केवल लाखों से भी, 1000 टन ऑक्सीजन पैदा करता है एक पेड़, जो हमसे कभी भी कवर नहीं हो सकती, जो हम बना रहे हैं ऑक्सीजन, उससे भी कहीं गुना हम इन वृक्षों से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी जो टीम इस पर्यावरण संरक्षण के लिए लगी हुई है, सबसे पहले मैं उस टीम का बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आपका वीडियो लगातार देखता रहता हूँ, आपने जहाँ पे यहाँ ईश्वर सिंहपुरा या जहाँ पे भी आपने अलग अलग जगह आपने जो वृक्ष लगवाए हैं, और यहाँ बाबा सिद्ध श्री फूलनाथ जी महाराज की पहल और आपकी टीम ने मिलकर जो ये वृक्ष, पीपल, बरगद और ये जो आपने अलग अलग वृक्ष लगाए हैं इस पर्वतमाला पर, ये आपकी बहुत बड़ी एक महानता है। नहीं, ये तो हम सभी की है, हमारी मेरी नहीं, ये सब हम सब की है हमारी। मैं आपके चैनल के माध्यम से और आप सबके माध्यम से सरकार से भी अपील करूं कि जो व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में लगे हुए हैं, उनको संरक्षण सरकार द्वारा मिल जाए तो पर्यावरण की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। नहीं, सरकार से हम डिमांड क्या कर रहे हैं, जैसे आप बताओ। सरकार से डिमांड यही करें कि सरकार से, जो भी सरकार, जो अभी उन्होंने अभियान चला रखा है, हर कंपनी को, हर फैक्ट्री को ये टारगेट दे रखा है कि आप 1000 पौधे, 500 पौधे लगाएंगे, तो उसमें आपकी टीम को या जो भी पर्यावरण संरक्षण में जो टीमें लगी हुई, उनको ये दायित्व देना चाहिए कि किस कंपनी ने कितने पौधे लगवाए, उसकी आपके माध्यम से गिनती हो, गवर्नमेंट तक उसका रिकॉर्ड जाए। अब 5 पौधे किसी कंपनी ने लगा दिए और वो दिखा रही है 500 पौधे, तो उससे भी बहुत बड़ा नहीं, रियल देखो, ये दिखावा नहीं है, जो बात ये दिखावे की नहीं है, और ये सोशल को हम मिसयूज कर रहे हैं, हमें कभी कभी ऐसा लगता है। बिल्कुल, जो सोशल का काम है ना, जायज, हम अपनी तरफ से तो कर रहे हैं वो, बाकी ये दिखावा नहीं है, दिखावा नहीं करना। और प्रकृति ये देख रहे हो आप, दिखावा क्या करोगे, जो बीच में यहाँ पे आकर ये हरा भरा होता, ये श्रृंगार होता, तो स्वर्ग प्रकृति के श्रृंगार में ही है। हाँ, अब ये जैसे आपने जो हरे भरे की बात की है, प्रश्न में ही वैसे उत्तर होता है कि ये केवल अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने सारा प्रकृति उजाड़ दी है। हाँ, केवल अपने स्वार्थ के लिए, पेट भरने के लिए सारा ये अरावली को समाप्त कर दिया, सारे यहाँ के पेड़ को कटाई कर दी, यहाँ कुछ नहीं है, और केवल आप लोगों की पहल और ये संत जो भी इस पहल में लगे हुए हैं, इनकी कृतज्ञता और धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूँ। आप लोगों का भी इन संतों के श्री चरणों में यही प्रणाम करके मैं कहूँ कि आप
जो कार्य कर रहे हैं वो लोक हित के लिए कर रहे हैं। हम अपने पेट भराई के लिए तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो लोक हित के लिए काम कर रहे हैं वही वास्तविक देवता है, वही वास्तविक संत है। नहीं, यहाँ पे सभी हैं देवता, आप भी देवता, सब देवता हैं। और महाराज जी बता रहे थे कल यहाँ पे आए तो एक एक पेड़ लिया ना, आप दे रहे हो इस प्रकृति को तो आप देवता हो। हम प्रकृति को कुछ दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं, वो भी हमारा स्वार्थ ही है क्योंकि प्रकृति भी हमें सब कुछ दे रही है। हाँ, मतलब स्वार्थ से भी जुड़े हैं तो कम से कम दिल से जुड़े और भाव से जुड़े। भाव से जुड़े ताकि उसमें प्रकृति भी बची रहे और हमारा स्वार्थ भी पूरा होता रहे। अगर हम जैसे कि यही है कि एक पेड़ काट रहे हैं तो पांच पेड़ उसकी जगह लगा दें तो वो प्रकृति भी बैलेंस हो जाएगी, हमारा स्वार्थ भी पूरा हो जाएगा और प्रकृति भी बची रहेगी। तो ये मूल आधार वो है, जैसा कि संत श्री चरणों में प्रणाम करके यही कहूँ कि महाराज श्री ने कहा कि यहाँ पे जो भी भक्त आ रहे हैं वो सब अपना एक पेड़ से अपनी एक पहल करें, क्योंकि यहाँ इस पर्वतमाला में खूब जगह है। अगर जहाँ पे किसी के घर में कोई कह रहा है साहब हमारे तो यहाँ जगह ही नहीं है, तो यहाँ काफ़ी जगह है और आपको इतना बड़ा मौका मिल रहा है कि वृक्ष लगाओ और 100 साल तक, 200 साल तो तक, 500 साल तक आप हमेशा जिंदे रहें। एक मूल बात इसमें एक संत से मिली कि संत हम मतलब बताते हैं इन बातों को कि एक बरगद का हमने अगर पेड़ लगा दिया ना कहीं भी जहाँ पे जरूरत हो तो वो पेड़ जहाँ तक फैल गया वो जगह ही तुम्हारे नाम हो गई है। उसमें जितने भी जानवर रहते हैं, जितने भी जीव रहते हैं, इस चीज को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने हमारे गुरुजी से बात की, उनके भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट है, तो उन्होंने कहा कि भाई जो है बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बड़का जो बीज होता है वो सबसे छोटा होता है, लेकिन जो उसकी विराटता होती है वो सब वृक्षों में सबको गुणा कर देता है। विचार बड़े होने चाहिए, हौसला बड़ा है, व्यक्ति के विचार बड़े होने चाहिए हमेशा, केवल हौसला बुलंद रहे होना चाहिए। जो 1000 फुट की ऊंचाई से उड़ रहा है लेकिन उसकी जो निगाह है वो कूड़े के ढेर पर, उस मांस के लोथड़े पे ही है। ऐसे विचार हमारे नहीं होने चाहिए कि भगवान की कृपा से आप यहाँ आए। और सबसे बड़ा देखो फायदा कि आपको कुछ नहीं करना है, देखो इतने बड़े संतों का इतनी कृपा हम पर हो रही है कि यहाँ पे केवल आप पेड़ लगा जाओ, सेवा प्रक्रिया हम करेंगे, और इससे बड़ा हमें क्या चाहिए। तो बड़ा बुलंद हौसला है महाराज जी का, और नहीं बड़ी पहल है। और इन्हें सबसे मैं गवर्नमेंट से भी आपके चैनल के माध्यम से यही अनुनय विनय करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को उनका विशेष प्रोत्साहन उनको देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जैसा कि आज इस पावन एकादशी के पावन पवित्र माह पर इस वन संरक्षण का नामकरण भी अगर मेरे से कोई पूछे तो गोरक्षनाथ वन के नाम से इसका वो हो जाए। और नहीं, हो गया जी, हो गया है जी। हाँ, ये महाराज जी ने अलाउस कर दिया है, ये पूर्ण हो जाएगा। और जैसा कि कल भगवान शिव और गोरक्षनाथ जी महाराज की और हनुमान जी महाराज की जो प्राण प्रतिष्ठा है और जो नंदीशाला की जो उद्घाटन महाराज श्री के द्वारा हो रहा है, कितनी बड़ी पहल है कि वास्तविक अगर हम सनातन की बात कर रहे हैं और सनातन का हम सब में कोई 1% भी वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि सनातन वो है कि जो गाय संत विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, जो इनकी रक्षा नहीं हो रही तो फिर काय का सनातन। अगर गाय के लोग कुल्हाड़े बैठा रहे हैं, उन पे एसिड डाल रहे हैं, महाराज जी मेरे को माँ भी बोल रहे हैं ना, गाय जो है वो हमेशा से पूजनीय है, पूजनीय रही है और हमेशा रहेगी, लेकिन आज के इस जनरेशन को देखते हुए वो केवल सोच रही है कि केवल जो हमारी एजुकेशन है उससे बढ़ के कोई नहीं है। इस अंग्रेजी स्तर की जो शिक्षा जो आज हमारे इसमें चल रही है वो भी एक हमारे इस सनातन संस्कृति पे बहुत बड़ा व्यविचार बनी हुई है, क्योंकि संस्कार इससे लुप्त होते जा रहे हैं। हम अंग्रेजी शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन संस्कारों की तरफ माता पिता ध्यान नहीं दे रहे, ये हमें बच्चों की एजुकेशन से पहले उसे संस्कारिक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन तो वो कहीं से भी प्राप्त कर लेगा लेकिन
संस्कार वो केवल अपने माता पिता और परिवार से ही प्राप्त कर सकता है और कहीं से उसे नहीं मिल सकते। तो इसीलिए जो आज हमारे इस समाज में जो गाय की स्थितियां हम सब देख रहे हैं, मैं क्या देख रहा हूँ, आप क्या देख रहे हैं, पूरा समाज देख रहा है, और फिर भी हम उसको सहन कर रहे हैं। तो ये इन संतों की इतनी बड़ी पहल जो हुई है हमारे यहाँ निमराणा, और यूँ मैं कहूँ कि हमारे आसपास के बहरोड़ अलवर क्षेत्र में ही शायद मेरे को लगता है कि पहली ये नंदीशाला खुली होगी। गौशाला तो बहुत बन रही है, लेकिन ये जो एक इंसानों के लिए जो व्यवस्था महाराज श्री ने की है, इसकी पहल की है, तो इसमें भी हम सब की ये जिम्मेदारी है कि जितना हम महाराज जी का और जो इनकी जो टीम है उनका सहयोग हमसे बन सके उतना हम उनको सहयोग भी दें, उनको उत्साहित भी करें, ताकि ये कार्य भी आगे बढ़ सके। और भगवत कृपा से सफलता भगवान के श्री चरणों में हम सब यही प्रार्थना करें कि जो ये नंदीशाला की पहल है ये अग्रसर उत्तीर्ण बढ़ती रहे और इन नंदियों की भी हालत में सुधार आए, ताकि क्योंकि लोग आज स्वार्थ, वही हर चीज़ में स्वार्थ है विजय जी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि गाय का दूध जब तक पी रहे हैं तब तक उसको पाल रहे हैं, नहीं तो उसका भी जेवड़ा खोल के और रोड की तरफ उसका मुंह कर दे। ये इतनी बड़ी दयनीय स्थिति समाज में चल रही है, हमारी सबकी एक नीचता है, वास्तविक नीचता है कि हम सब जितना भी अपने स्वार्थ के प्रति कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, केवल गाय जब तक दूध दे रही है तो फिर चाहे उसके चाहे कोई लठ मार रहा हो, मैंने देखा है एक दो सांडों के ऊपर लोगों ने एसिड तक डाल रखा है, बिल्कुल बिल बला रहे हैं उनको एम्बुलेंस करके, जो ये चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं लोग, उनका भी मैं बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि फ़ोन करते हुए उनकी टीम आती है और इन गायों को लेके और ऐसे उसमें उनको चिकित्सालय उपलब्ध करवाते हैं, इनको दवा देते हैं, इनकी सारी देख रेख करते हैं। जैसे एक दो तीन जगह ये संस्थाएं चल रही हैं जो गायों का जो स्वास्थ्य में सुधार के लिए उन्होंने पहल कर रखी है, उनको फ़ोन करते ही वो आते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपकी संपूर्ण टीम को और बाबा फूलनाथ जी महाराज और जितने भी संत आपसे जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने अभी आपका पिछले वाला जो मैंने रिकॉर्डिंग सुनी कि उसमें कई लोगों का कमेंट था कि भाई आप अलग अलग संतों के पास जाके और ये रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं, आप एक ही संत से क्यों नहीं वो हमारे को करवाते। तो इसमें सभी फॉलोवर्स को मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करूं कि आप भी इस बात को अन्यथा नहीं लें, और हम सब भी कि जितने भी संत राष्ट्र हित और देश हित में लगे हुए हैं उन सब को समाज में सामने लाना ही हमारा सबका कार्य है, क्योंकि जो राष्ट्रहित समाज हित और देश हित में लगे हुए हैं उनको वास्तविक है, मैं विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ये वास्तविक ऐसे ऐसे संतों का वीडियो डालते हैं जो वास्तविक राष्ट्रहित में और देश हित में लगे हुए हैं। तो आपका विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको, और क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी मिलती हैं, कल आप आए यहाँ पे हवन यज्ञ आदि प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दोए, तो यही जग में दुर्लभ है, और तो चाहे आप चाहे कहीं पे भी घूम लो, ये 250 ग्राम आटे का पेट है, सब कहीं पे भी भर लो जाए, कहीं पे भी मजदूरी आप कर लेंगे ये भर जाएगा, लेकिन वास्तविक जो जीवन की सुंदरता है वो हमें अपने जीवन में उतारनी है, कि चाहे सुंदरता की परिभाषा यही है कि लोग आपको देखते ही कि आओ साहब विजय जी, ये आपने ये बहुत बड़ी पहल की है, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो संतों की वाणी और जो ब्राह्मणों का और जो पर्यावरण का, जो अरावली को बचाने का जो कार्यक्रम चल रहा है वो सबसे बड़े जीवन की सुंदरता है, और तो पेट तो आप भर ही रहे हैं, आपका साउंड भी देखो हमेशा चलता ही रहता है, सारा सब कुछ होता रहता है, घर वालों का भी दबाव रहता है, लेकिन फिर भी आप सब ये सब कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, कृतज्ञता और धन्यवाद है कि आप बार बार ये कार्य कर रहे हैं, कि और संतों के दर्शन
धन्यवाद तो उनका है जो कि ये इनको कार्य समझ रहे हैं, जो हमें जो हम कर रहे हैं उनको जो कार्य समझ रहे हैं ना, अब ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल, हम तो बिल्कुल। उनका धन्यवाद करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारा कोई धन्यवाद नहीं, हम तो अपना। आपकी भावना को हाँ मैं अच्छी तरह समझता हूँ। कई बार तो समाज को, परिवार को, अपने रिश्तेदारों को ये वहम हो जाता है कि यार ये हमेशा वीडियो बाबा जियों के पास ही जाकर बना रहा है, तो कभी यही इसका ही मोह वो नहीं हो जाए, कभी यही बाबा जी नहीं बन जाए, ऐसा नहीं, भी। बिल्कुल ऐसा चल रहा है, लेकिन हाँ ये सच नहीं है, कुछ तो तो इसमें ऐसा भगवत हो कृपा गया। से आप सभी से यही ऐसा वो है कि इनकी भावनाओं को समझें, आप केवल इनके चैनल को जो बोल रहे लोग उनको नहीं, केवल विजय जी की भावना को समझें, इनकी टीम की भावना को समझें कि ये लोग इतने लगे हुए, भाई आपका पेट तो ये भर देंगे कैसे भी, लेकिन ये लोक हित का जो कार्य इनका चल रहा है, आपको बड़ी प्रसन्नता होगी जब आपके पुत्र, आपके पौत्र जब कहीं कहीं पे भी जाके देखेंगे कि यहाँ अच्छा ये भी हमारे पापा हमारे दादा का करवाया हुआ है, हाँ, तो उनकी आपकी आत्मा भी प्रसन्न होगी और उनकी भी आत्मा में प्रसन्नता होगी। और तो सुंदरता का मैं यही परिभाषा देना चाह रहा था कि लोग आपको देखते ही झुक जाएं, प्रणाम करें, चरित्र से रघुनाथ से चरित्र वाली सबसे बड़ा वो है। और तो ऐसी सुंदरता क्या काम की जो फेशियल से दिलवा रहे मुंडे के घर से और लोग ही रास्ते में चलते हुए सीटी मार रहे हैं, वो सुंदरता नहीं। सुंदरता आंतरिक होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। तो उसी भाव से मैं विजय जी के चैनल के माध्यम से आप सबसे यही अपील करूँगा कि आप सब जहाँ पे भी रहें, जहाँ से भी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वहाँ पे आप हर जगह एक पौधा, दो पौधा, पांच पौधों का आज से ही आप संकल्प लें, क्योंकि आज वास्तविक पुत्रदा एकादशी पर आप सब ये संकल्प करें। एक ब्राह्मण के इस आशीर्वाद और संत के आशीर्वाद से यही उनके भगवान के श्री चरणों में हम प्रार्थना करें कि आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करें, क्योंकि ये वनस्पति विज्ञान है, हर पौधे का महत्व और माहात्म्य बहुत बड़ा है। ये पीपल जिसको हम कहते हैं 24 घंटे ऑक्सीजन का वो करता है, एक भी घंटे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है। बड़ जो है वो 22 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, केवल 2 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, गूलर 20 घंटे। तो आप जो एजुकेशन ले रहे हैं उस एजुकेशन से इस वनस्पति के बारे में भी आप जरूर जानें कि इसका क्या महत्व है, क्या इसका इसको लगाएंगे तो क्या हमें फायदा होगा, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए तो लोगों ने खूब लगा रखे हैं खेत के खेत नींबू के, मौसमी के, लेकिन लोक हित के लिए भी एक दो पौधे आप बड़, पीपल, गूलर आदि के लगाएं ताकि पशु पक्षी भी उसके नीचे बैठ सकें, और अपने उनके लिए नंदीशाला के लिए आप अपने गायों के लिए जल की व्यवस्थाएं आप करें अपने घर पे ही। आपसे हम ये नहीं कह रहे कि आप कहीं कहीं लगवाएं, लेकिन इतना जरूर करें कि आप कहीं से भी जितनी दूर से देख रहे हैं आप वहाँ पे ही, आपके कहीं पे भी आसपास जंगल हो वहाँ पे 5 पौधों का संकल्प आज लें और एक का तो आप जरूर लें, इतना मैं आपसे जरूर। नहीं गुरु जी, जब महाराज कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कह रखा है जी कि माँ के लिए एक पेड़ जी, अब संतों ने ये कहा है कि बाप के लिए भी एक पेड़, तो देखो 2 पेड़, तो हम ये कहेंगे कि एक पेड़ गुरु के लिए भी, तो त्रिवेणी धाम आप लगा सकते हो कम से कम, कम से कम ये तो अपना बनता ही बनता है। बिल्कुल, त्रिवेणी आप लगाएं, बड़, गूलर और पीपल, इन तीनों को त्रिवेणी कहा है, 3 पौधों का एक ही शाखा बन जाए उसको त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी का महत्व और महात्म में यह है कि जहां पे उसके नीचे बैठकर आपने एक नाम भी ले लिया तो सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, एक ही नाम 1000 नामों के बराबर लिया जाता है, ऐसा त्रिवेणी के बारे में शास्त्रों ने और संतों ने कहा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने इस वाणी को विराम देता हूँ और महाराज श्री से कहूँगा कि आप भी 2 शब्द पर्यावरण पे कहें। हाँ जी बाबा साहब, आप भी बिल्कुल 2 शब्द। विजय भाई, शास्त्री जी ने जो अब ये समय दिया है बोलने के लिए, तो मैं इसी विषय में जुड़ता हुआ अपनी 26 वर्ष की 76 वर्ष की आयु में मेरा देखा हुआ बताता हूँ कि बाबा फूलनाथ जी बहुत अच्छे संत हैं, विद्वान भी हैं, अच्छे संतों से जुड़े हैं उन जगहों से जो
मिले बैठे हैं तो उनकी ये देखकर भावनाओं को और उनका जो ये लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, जो इन्होंने सोच सोचा है, एक दो रोटी और एक लंगोटी के अंदर जो सेवा करने के लिए हमें सरकार से भी कोई चौकीदार छोड़ दे तो वो नहीं मिल सकता। इन संतों ने किन से, अब नज़दीक से देखो बाबा खेतानाथ जी हुए कितने महान योगी हैं, आज भी वो कर रहे हैं। उनकी देख रेख में छापुर में बाबा सोमनाथ जी, वहाँ पक्षी और वृक्ष इस क्षेत्र में नज़दीक कहीं भी नहीं है। बहुत से आश्रम हैं, हम शीतलदास जी आश्रम पे भी गए थे, मोहनदास जी के भी यहाँ गए थे, पंखे के ऊपर एक फकीर बाबा हैं, वहाँ भी उन्होंने भी बहुत, और ऐसे बहुत से संत हैं जिनका हम यहाँ पे आपको घूम घूम के उनसे मिलवाएंगे। ऐसे ऐसे संत हैं, कोशिश करेंगे मिलवाने की। संत में रहे आप नजदीक, कभी जाकर आपने तो देखा होगा जिन जगह पर जिस साधु के पास बैठोगे उनके अंदर बढ़िया चंदन जैसी खुशबू आए तो उसको असली साधु समझिए। बिल्कुल। और जहाँ पर पशु और पक्षियों को कई एक क्विंटल तो डेली पड़ता है यहाँ चापर पदमाड़ा, और जितने बड़ पीपल अपने एरिया में नहीं है इतने जो वहाँ पर अपने राष्ट्रीय पक्षी है वहाँ भी। बिल्कुल, महाराज जी से मिलवाएंगे, शुभनाथ जी से। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत से संतों से मिलवाएंगे आपको। सन्निधि में रहे हुए साधु हैं, उनकी परछाई इनको काम कर रही है और इसी पर्यावरण से मैं जुड़ता हुआ यह कह रहा हूँ कि इन्होंने इसको बचाने के लिए अरावलियों को, अरे यहाँ देखो सारा खोखला कर दिया, इसको बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो मैं सरकार से भी यही निवेदन करूँगा कि ऐसे संतों का वो स्वयं भी ध्यान रखे और संरक्षण करें, इनका सुरक्षा भी रखे इनकी, क्योंकि आजकल ऐसा ही है, टाइम वक्त खराब जा रहा है। ऐसे अच्छे कामों के लिए बहुत बुरी वाली टीम है, वो नहीं देखना चाहती अच्छे काम आगा के लिए बहुत लोगों के। तो बाबा साहब आपने पेड़ कितने लगा रखे हैं? जैसे भाई मैंने 76 साल में सबसे बड़े पेड़ मैं तो कभी से ही रहा हूँ, मैं तो महाराष्ट्र तक लगाए हैं बाबा के साथ रहकर। झुंडी में कदड़ी चलती है नाथ जियों की, उसमें वहाँ भी हर जगह मेरा एक एक पेड़ लगा हुआ। कल्प वृक्ष देखा है गुरु जी? हाँ, कल्प वृक्ष मैंने देखा नहीं मेरे हाथ से, आपको देखना हो तो नजदीक है कोई लीला, शिमू नाथ जी की समाधि के सामने मेरे हाथ से लगाया हुआ। जय हो, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। क्या बात है, आज के बहुत बढ़िया। इन बाबा के लिए भी कमेंट जरूर लिखना। पेड़ है कितना, मैं जेब में घाल के लाया था, जो मेरे गुरु महाराज जी की जो पहली समाधि थी नीमराणा, जहाँ कुटिया थी उसके सामने आज वो भय रूप ले रखे आए हुआ, समझ गए जी। तो हमें चाहे प्यार रहे मेरे को उन संतों में बैठा हूँ, बाबा संतों के अंदर ही रहा हूँ, तो ये भी इनसे प्यार ये है कि शांति मिलती है ना। अपन तो ये साले उन्हीं में निकालिए, कभी कोई काम नहीं किया, सब उनकी देन है। जनप्रतिनिधि रहा हूँ, सरपंच बना हूँ, गुरुओं कृपा से दूसरा आदमी साथ नहीं रख गया, नहीं कोई मेरे से बीड़ी पी, नहीं कोई एक रुपए की शराब पी, जिला पार्षद तक का भी चुनाव लड़ा है, सब उनकी देन है। जय हो प्रभु धारी। बाबा साहब अपना शुभ नाम? नाम तो गुरु महाराज का है, मेरा क्या है, जनक सिंह के नाम से बोलते हैं। अच्छा, जन्म स्थान? भाई मेरा दौलत सिंहपुरा है, वहाँ का ग्राम पंचायत का सबसे पहला पहचान में सरपंच बना था मैं, गुरु की कृपा से बाबा। जय हो, जय हो, जय हो। क्योंकि आश्रम का कुछ वो नहीं हो रहा था विकास, और ब्रह्मा ब्राह्मण देव से भी निवेदन करेंगे अपना, तो मैं तो परिचय दें। ये भी संतों के साथ रहे हुए हैं। विजय जी परिचय तो क्या, बस भगवान का नाम पंडित रितेश शास्त्री है और गांव मेरा हमीनपुर है, हाजीपुर। अच्छा, ये बैरोड के पास। और भगवत कृपा से मैं एक बहुत बड़े और बहुत अच्छे संत ही हम उनको कहूँगा मैं, मेरे गुरु को, जो अपना आसपास का सभी क्षेत्र जानते हैं, मैं पंडित अशोक बोहरा का शिष्य हूँ। जय हो, जय हो, जय हो। और भगवत कृपा से उन्हीं का यह आशीर्वाद और भगवान की कृपा से आज मैं जो हूँ वो उन्हीं की कृपा से। तो प्रभु आप भी अपने मेरे टीम के वरिष्ठ जो व्यक्ति हैं, पंडित पुष्कर दत्त जी शर्मा, जय हो, जय हो, से वो भी बहुत अच्छे विद्वत व्यक्ति हैं, और मैं उनसे भी कहूँगा कि पर्यावरण के बारे में वो भी दो शब्द आपके चैनल के माध्यम से रखें वो, और अपना परिचय भी दें, है ना। बहुत अच्छी बात है विजय जी भाई, और आपको भी धन्यवाद। सब भाइयों बातों को इनको छोड़कर, संसारिक बातें हो तो अपने आप पे के लिए ही कहता है, बच्चा भी हो घर वाले, मेरे को भी ऐसे ही कहते रहे, पर मैं तो कहता हूँ आज कितना भी हो मेरे को गुरु महाराज जी ने दुनिया दिखा दी है, कन्याकुमारी से लेकर अमरनाथ तक, विदेशों तक वो दिखाया है। इस संदर्भ में आप दोनों ही और मैं भी संतों से जुड़ा हुआ हूँ, सबके परिवार में यही स्थितियाँ हैं, चलती है। और वो हनुमान जी वाली बात जो विभीषण ने लंका में कही, तुम कब कही कि उनको उनकी भक्ति से विश्वास उठ गया था विभीषण जी को,
तो विभीक्षण जी ने जैसे ही लंका में हनुमान जी गए तो विभीक्षण जी को अपनी भक्ति पे विश्वास हो गया और उन्होंने हनुमान जी को कहा कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, कि अब मेरे को मेरी भक्ति पर पूर्ण विश्वास हो गया कि यहाँ निश्चरों के बीच अगर राम का दूत के मेरे को दर्शन हो सकते हैं तो अब अवश्य मेरे को राम भी मिलेंगे। तो सभी परिवार बंधु बांधुओं से मेरा यही निवेदन है कि जो जिस भाव पर ये चल रहे हैं उस भाव को आप समझें, आप इनकी बातों पे नहीं जाएं, केवल इनके आंतरिक आत्मा की बात को आप समझें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम, जय जय विजय भाई। निडर होकर आप इस लक्ष्य को आगे बढ़ते रहो, बहुत आने वाली पीढ़ियों का सुधार कर रहे हो आप बहुत। कितने अपन तो चले जाएंगे, एक एक का तो सब करते अपने आपा दापी में, और पर बाकी का अगर आप होश दोगे ध्यान दोगे तो हम कुछ भी नहीं है, ये सब खेल आपके बीच में आपके साथ ही हम इसको अंजाम देंगे। क्योंकि संगठन के बगैर कुछ भी नहीं है, शक्ति आपसे बगैर मिले शक्ति कहाँ है, फिर संगठन ही शक्ति है। देखो जो संगठन है, जो आपका मुख्य जो वो है कि एक व्यक्ति हमें ऐसा चाहिए जो निमित्त बने, जो भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता में अर्जुन को बनाया। जी 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 जी, वैसे ही भगवान श्री राम ने वानरों को भी कहा, माताओं को भी कहा, और समस्त अयोध्या वासियों को भी यही कहा, सबसे तीनों चारों सबसे गुरु वशिष्ठ से भी यही कहा कि तुम्हारे बल में रावण मारो, कि मेरी क्या सामर्थ्य है तुम्हारे बल से मैंने पाया। गुरु जी को कहा आपके आशीर्वाद से मैंने किया है, माताओं को कहा कि माता आपके आशीर्वाद से, मेरे पास तो है ही क्या। तो यही है कि जो आपके साथ जो टीम लगी हुई है, और मैं भी तहे दिल से आपको यही आज आश्वासन देता हूँ कि मेरे प्रति जो भी जैसा मेरे लायक जो काम हो आप कभी भी मेरे को बताएं, और आपकी टीम के साथ मैं भी आज से आपके तत्पर हूँ, यही मैं अपने वाणी से कहूँगा। बोलिए साचे दरबार की जय हो, प्रभु थारी सदाई जय हो, और आप सभी को दिल से नमन प्रणाम। जय जय।